सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रताप नीलकानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जनरल अवेयरनेस सीरीज का 9th पार्ट कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर आ रही है तो नीचे लाइव चैट में बताओ कि यस सर आ रही है। और तो आज की वीडियो में हम 9th पार्ट करेंगे। 8th पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 8th तक। ये 9th पार्ट है सीरीज का, और इन सीरीज को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि डेली आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और सभी फैमिली मेंबर जिनको आप जिन ग्रुप्स में आपको गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं, आप भी आज उनको एक लिंक के मैसेज भेजिए और उनसे कहिए कि इन उस पे विजिट कीजिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर इंसान के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को विद अ नाइस कोट, बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल कोट के साथ। तो ये बहुत अच्छा और एक तरह से सबकी लाइफ को अप्लाई करने वाला, मतलब सभी को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए एक ऐसा कोट है। ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 3 शब्द है इसमें, बिलीव इन योरसेल्फ। तो देखिए, हम किसी भी काम को कभी करने जाते हैं ना, तो मन में आपके बहुत डाउट होंगे। जब चाहे अभी आप 12th में आए हो एंड आपको बोर्ड एग्जाम देने हो, तो अभी आपके मन में डाउट होगा, यार कोरोना चल रहा है, क्या एग्जाम होंगे नहीं होंगे। तो एक चीज कहूंगा मैं, कि मतलब अपने आप पर विश्वास रखिए कि भले ही कुछ भी कैसी भी कंडीशंस हो, यार हमारा कोई गोल है तो हम उसे अचीव करके रहेंगे। लाइक अगर आपका मिशन है यूपीएससी सिविल सर्विस का, या किसी भी एग्जाम का, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में जाते हैं, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप पर विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुद पे बिलीव रखिए, और मतलब कभी भी नेगेटिव मत होइए अपनी अप्रोच में। मतलब कभी भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक सच्ची बात है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जो करते हैं वो मतलब एक तरह से यूनिवर्स उसे आप मतलब यूनिवर्सल पावर को आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे और नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा और मतलब आप पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करोगे। तो बस अपने आप पर विश्वास रखिए, और एक और चीज कहूंगा, बढ़ते रहिए जर्नी में। मतलब अपना हार्डवर्क पूरा दीजिए, अगर आपकी मेहनत पूरी होगी तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, और रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, बट मेहनत आपके हाथ में। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में, तो स्टार्ट करेंगे यार क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर ए, इट वाज फाउंडेड इन 1867 इन बॉम्बे बाय आत्माराम पांडुरंग। बी, इट एम्ड एट रिमूविंग कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। सी, ऑब्जेक्टिव वाज टू एबॉलिश चाइल्ड मैरिज। या डी, एनकरेज वुमेन्स एजुकेशन एंड एंड द बैन ऑन विडो रिमैरिज। तो आपको बताना है कौन से इसमें से सही स्टेटमेंट है। क्या ए एंड बी करेक्ट है, या बी एंड सी करेक्ट है, या फिर सारे ही करेक्ट हैं, या कौन से करेक्ट हैं, ये आप लोगों को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। तो देखिए इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग प्रार्थना समाज। तो आप लोगों को समझने की चीज यही है कि प्रार्थना समाज थी क्या। मान लीजिए आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन कर लेता है, तो आप बी सी या डी, ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ए मैं कहूंगा नहीं कि जरूरी है कि आपको पता ही हो, या डेट इतना कोई लर्न नहीं कर सकता, बट आपको ये बताना चाहिए कास्ट रेस्ट्रिक्शन रिमूव करना, ये सब चीज थी। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज एल्बर्ट बिल पास्ड इन 1883। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि एल्बर्ट बिल जो 1883 में पास हुआ था वो क्या था, मतलब उसमें क्या था। योर ऑप्शंस आर ए, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडियन जजेस कुड ट्राई। अब ट्राई का मतलब यहां पर कोई नई चीज नहीं है, ट्राई का मतलब सिंपली है जो आपका कोर्ट ट्रायल होता है, मतलब जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, उससे यहां पर ट्राई का मतलब है। यूरोपियंस। बी, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडियंस कुड बी ट्राइड बाय द यूरोपियन। सी, सेंसरशिप वॉज इम्पोज ऑन न्यूज़पेपर्स। या डी, इंडियन लीडर्स वर जेल्ड। तो बी पॉइंट की मैं बात करूं, ये तो होता ही था कि मतलब इंडियंस जो थे वो यूरोपियंस के द्वारा मतलब एक तरह से उन्हें सजा सुनाई जा सकती थी, या उनका कोर्ट जो यूरोपियन जजेस थे वो उनका केस पर सुनवाई करते थे। बट जब एल्बर्ट बिल आया, एल्बर्ट बिल में ये था इक्वालिटी लाने के लिए, एक तरह से यार कभी कभी आयरोनिकल भी लगता है ना, कि मतलब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, बट कई बार मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें भी लाए जो यार लगता है इक्वालिटी पर, ये इक्वालिटी भी हो सकता है उनका कोई बेनिफिट ही हो। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडियन जजेस कुड ट्राई यूरोपियंस। तो इस एक्ट में यही था कि एक तरह से इक्वालिटी लाने के लिए, लाइक पहले क्या होता था कि जो यूरोपियन जजेस थे वो तो इंडियंस को ट्राई कर सकते थे, मतलब वो उनको कोर्ट ट्रायल उनका ले सकते थे, उनको सुनवाई कर सकते थे जजेस, बट जो यूरोपियंस क्रिमिनल थे अगर तो उनकी जो सुनवाई थी वो इंडियन जजेस नहीं कर सकते थे। बट एल्बर्ट विल में ऐसा था कि इंडियन जजेस
कर सकते थे। इसकी मैं बात करूं तो ये लॉर्ड रिपन ने 1883 में इंट्रोड्यूस किया था, और आपको जान के ये बहुत दुख होगा या कि मतलब जो ये एल्बर्ट बिल था ये कुछ ही समय में वापस ले लिया गया, मतलब वरना फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि ऐसे इंडियन जजेस यूरोपियंस को ट्राई करेंगे, सजा देंगे, तो इन्होंने इस बिल को अमेंड कर दिया और बाद में वही बना दिया गया कि इंडियन कोई भी है तो उसको उसकी सजा का काम पूरी सुनवाई मतलब जो जज होंगे वो यूरोपियन ही होंगे। तभी आपने सीएन ब्रूमफील्ड, एक बार देखिएगा इनका नाम, आपने 12th की हिस्ट्री में पढ़ा था इनका नाम, इन्होंने गांधी जी को सजा सुनाई थी मतलब 2 साल की, आप एक बार देखिएगा सीएन ब्रूमफील्ड के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आईएनसी की हम बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, और अब इस क्वेश्चन में आपको बताने की फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। योर ऑप्शंस आर ए डब्ल्यू सी बैनर्जी, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी दादा भाई नौरोजी, या डी रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। तो अब देखते हैं इसका कितने बच्चे करेक्ट आंसर दे पाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। तो देखिए आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट आपके डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू थी, एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो आई होप आपको इस तरह से लर्न करने में आसानी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। बंगाल वॉज पार्टीशन इंटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल इन विच ईयर? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि बंगाल का विभाजन किस साल हुआ, किस वर्ष में हुआ, जब बंगाल को डिवाइड करके ईस्ट और वेस्ट बंगाल में कर दिया गया। योर ऑप्शन आर ए 1909, बी 1919, सी 1905, या डी 1947। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं, हिस्ट्री वाले हो गए, पॉलिटिकल साइंस वाले, सबको आता है। देखते हैं, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1905। तो 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ या पार्टीशन कह लीजिए ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। और देखिए ईस्ट बंगाल में जितने मुस्लिम मेजोरिटी वाले लोग थे, मतलब जो मतलब ईस्ट बंगाल का इलाका था, मतलब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हिंदू एंड अदर कम्युनिटीज ज्यादा थी, बट जो आपका ईस्ट बंगाल था वहां मुस्लिम्स की तादाद या आप मेजोरिटी कहें तो वो मुस्लिम्स ही आई थी, इसलिए 2 पार्ट में उन्हें डिवाइड कर दिया गया। और ये करा था आपके लॉर्ड कर्जन ने, उस समय ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, और कोई भी डाउट आए नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। नेटल इंडियन कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी टू? अब आपको बताना है कि नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, तो क्यों की थी, मतलब उसका एम क्या था, आप लोगों को बताना है। योर ऑप्शंस आर ए फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रूलिंग इन इंडिया, क्या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए गई थी, मुझे नहीं पता, आप लोगों को बताना है। बी फाइट अगेंस्ट नाजी जर्मनी, या सी फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, डी फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर जलियांवाला बाग। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तब उन्होंने इंडियन नेटल कांग्रेस की स्थापना की थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इवन जो आपने एक बार सुना भी होगा उनकी लाइफ में, एक स्टोरी भी है कि एक बार उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था, मतलब एक जगह पर, तो उन्होंने सोचा था कि यार क्या किया जा सकता है, मतलब तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया और इंडियन नेटल कांग्रेस वहां फाउंड की टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बाकी आपको पढ़ना हो तो आप गूगल कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल सकता है। तो ये हुआ था आपका 1895 में इन साउथ अफ्रीका। तो इंडियन नेटल कांग्रेस जो थी, या फिर नेटल इंडियन कांग्रेस आप कहें, इसकी स्थापना 1895 में की थी, और 1915 में गांधी जी वापस इंडिया आ गए थे, तो इसका आंसर ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रूल कर रहे थे वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एजेंडा 21 वॉज साइंड एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द ईयर? तो अब आपको बताना है कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 जो कि यूएनसीईडी की कॉन्फ्रेंस में साइन हुआ था, तो आपको बताना है किस साल ये साइन हुआ था, और अगर आपको पता है उस समिट का नाम कि कहां हुई थी वो, तो आप नीचे लाइव चैट में बता सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी क्लियर करता हूं, जब आंसर आपको पता चलेगा तो आपको खुद पता चलेगा यार ये तो बहुत ईजी था, हमने 10th में पढ़ा था, अब तो हिंट भी दे दी थी, अब तो आना चाहिए। योर ऑप्शंस आर ए 1990, बी 1991, सी 1985, या डी 1992। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1992। तो देखिए 1992 में यूएनसीईडी की कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी रियो डी जेनेरियो, अर्थ समिट इसका नाम था, और यहाँ एजेंडा 21 साइन किया गया कई सारी कंट्रीज ने। उसमें एजेंडा 21 में क्या था कि एक एजेंडा था। सबसे पहले एजेंडा का मतलब मैं आपको बताऊं तो एजेंडा का लिटरल मीनिंग होता है कि पॉइंट्स टू बी डिस्कस बिफोर अ मीटिंग, किसी भी मीटिंग से पहले डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट। तो एजेंडा 21 में कुछ पॉइंट्स थे कि हमें मतलब एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करना है और पॉवर्टी डिजीज इन सबको हमें कम करना है या हटाना है थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो द्वार चोस एंड तराई आर, तो अब इसमें से दो शब्द सुनकर तो आप लोगों को लगेगा कि यार कहां से दे दिया, जीसी लियोंग से तो कहीं मैंने नहीं दे दिया। पर आपको क्लियर कर दूं कि अभी जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं या अब तक जितने मैंने कवर किए हैं वो केवल एनसीईआरटी से ही है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, बट ये है आपकी 10th की ज्योग्राफी से ही। बट कोई बात नहीं, बता देते हैं। तो द्वार चोस तराई ये क्या चीजें आप लोगों को बताना है। योर ऑप्शन आर ए एलुवियल प्लेन्स, बी पीडमोंट प्लेन्स, सी एबिसल प्लेन्स, या डी नन ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पीडमोंट प्लेन्स। तो देखिए तराई के बारे में आप लोगों ने एक डेफिनेशन लर्न भी करी होगी या फिर समझा होगा कि फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, मतलब जो शिवालिक माउंटेन रेंज है उसके फुटहिल्स पर जो एक प्लेन्स बनते हैं उनको हम एक तरह से पीडमोंट प्लेन्स कहते हैं, या तराई, उसको हम एग्जांपल में तराई भी लिखते थे। तो उसका करेक्ट आंसर आपका बी था। और उसके साथ साथ आप एक पिक्चर देख सकते हो, तो पिक्चर में मैं आपको यहां पर मार्क करके दिखाता हूं। तो देखिए आप इसको शिवालिक माउंटेन समझ सकते हैं और ये आपका पीडमोंट प्लेट्यू। अभी यार प्लेट्यू बिल्कुल मतलब कंफ्यूज मत होना, ये प्लेट्यू यहां पर लिखा जरूर है पर यहां पर इसका मतलब प्लेन्स ही है। आप लोग समझने के लिए बता दूं, जैसे आपकी ये प्लेन्स है मतलब जो माउंटेन की फुटहिल्स पर होती हैं ये, और ये बहुत फर्टाइल भी होती हैं, इसको हम पीडमोंट प्लेन्स कहते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये अगेन ज्योग्राफी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलुवियल सॉइल्स। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताने की कौन सा सही नहीं है अबाउट द क्लासिफिकेशन, मतलब एलुवियल सॉइल्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, पहला है बांगर एंड दूसरा है खादर। आप लोगों को बताने की कौन सा स्टेटमेंट उनके रिगार्डिंग सही नहीं है। योर ऑप्शन आर ए ओल्ड एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड बांगर, बी ओल्ड एलुवियल सॉइल हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ रॉक नड्यूल्स, सी न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर एंड इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स, या डी ओल्ड एलुवियल सॉइल इज मोर फर्टाइल देन न्यू एलुवियल सॉइल। तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। ए मेरे अकॉर्डिंग सही है, बाकी आप लोग देख के एनालाइज करके 5 सेकंड में बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओल्ड एलुवियल सॉइल इज मोर फर्टाइल देन न्यू एलुवियल सॉइल। तो देखिए इस चीज को समझिएगा, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है हम उसे बांगर कहते हैं, और उसमें जो रॉक नोड्यूल्स होते हैं मतलब जो पत्थर का कंसेंट्रेशन होता है काफी ज्यादा पथरीली मिट्टी होती है, नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो पथरीली मिट्टी होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है, तो इतनी फर्टाइल नहीं होती क्योंकि उसमें मोस्टली पत्थर होते हैं, तो पत्थर आप जानते हो कि पत्थर से तो फर्टाइल होगी नहीं, बहुत उसमें रॉक्स होते हैं। और जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसमें काफी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो रॉक्स भी होती है तो काफी फाइन रॉक्स होती है उनसे, मतलब बहुत छोटी छोटी रॉक्स, उससे फर्टिलिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब इन द सेंस कि वो खराब नहीं होती है, वो मतलब क्रॉप्स उगाने के लिए काफी फर्टाइल होती है। तो डी जो लास्ट ऑप्शन है आप लोगों का, ओल्ड एलुवियल सॉइल इज मोर फर्टाइल देन न्यू एलुवियल सॉइल, ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है उसमें काफी हायर कंसेंट्रेशन होता है पत्थर का। द करेक्ट आंसर डी है आपका, आप लोग देख चुके हैं। और उसके साथ साथ लास्ट एक पॉइंट देख लीजिए, न्यू एलुवियल इज मोर फर्टाइल देन ओल्ड एलुवियल, यानी जो आपकी खादर टाइप की मिट्टी है एलुवियल सॉइल है। और हाँ ध्यान रखना, ये जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो ये एलुवियल सॉइल्स का है, एलुवियल सॉइल्स को एज के बेसिस पर हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांगर और खादर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बेस्ड ऑन व्हाट कैन बी क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब आपको बताना है कि किसके आधार पर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो स्पीशीज है उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। और हाँ ये चीज यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। तो आपको बताने से करेक्ट आंसर कई लोगों को पता होगा, आई नो, ऑप्शन ए है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN स्टेटस जिसे कहा जाता है, अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि आंसर क्या है, बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सी जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, या डी फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल। तो आपको बताने की किस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हम मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको हम IUCN भी कहते हैं। तो देखिए जितने भी आपके प्लांट स्पीशीज हैं अब तक जो नोन है एंड जो आपके एनिमल स्पीशीज हैं उन सबका एक IUCN स्टेटस होता है। IUCN स्टेटस की मतलब क्या वो इंडेंजर्ड है, क्या वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कितने इंडेंजर्ड है, तो ये सब चीजें होती हैं। आपकी ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है। इसमें मैं बेसिक बताऊंगा आपको जो एनसीईआरटी कह रही है। तो देखिए जो आपकी IUCN है वो इस कैटेगरीज में क्लासिफाई करती है, सबसे पहला आता है आपका नॉर्मल स्पीशीज, फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज, फिर वल्नरेबल स्पीशीज, फिर रेयर स्पीशीज, फिर आता है एंडेमिक स्पीशीज, फिर आता है आपका एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं यहां पर। तो एशियाटिक एलिफेंट आपका वल्नरेबल स्पीशीज में है और एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आपके एशियाटिक चीता, जो ऐसा माना जाता था कि मतलब वर्ल्ड में या फिर एशिया में आपको वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट कोई एनिमल है तो वो एशियाटिक चीता था, बट अब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया। योर ऑप्शंस आर ए 1972, बी 1986, सी 1992 या डी 1973। तो सर करेक्ट आंसर देख लेते हैं यार, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1973। तो टाइगर की पॉपुलेशन बहुत घटती जा रही थी लगातार, उसमें डाउनफॉल आ रहा था, डिक्लाइन होती, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें हमें टाइगर का कंजर्वेशन कर रहा था, उन्हें बचाना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर थ्री लिस्ट। तो ये हम सभी जानते हैं कि थ्री लिस्ट क्या है, मतलब जो हमारी इंडिया है, इंडिया कंट्री, उसमें थ्री लिस्ट मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, वो थ्री लिस्ट में कैटेगराइज्ड हैं। सबसे पहले आपकी यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होते हैं, लाइक आपका डिफेंस हो गया, तो इन पर आपकी यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। सेकंड आपका स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर जो फैसला होता है, लाइक पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का एक पार्ट है, तो वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है, स्टेट गवर्नमेंट का लॉस पर चलता है, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। और थर्ड आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में आपके वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के इंटरेस्ट के हों, बट उस पर जो फाइनल फैसला होता है, फाइनल डिसीजन होता है, वो आपका यूनियन गवर्नमेंट ही लेती है। मतलब एक तरह से मैं कहूंगा कि देखिए ले कोई भी सकता है मान लीजिए, बट कोई ऐसा सब्जेक्ट लाइक आपका एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, एजुकेशन में लाइक इस साल आपका कई यूनिवर्सिटी मतलब अभी कॉन्टेम्प्रेरी समकालीन एग्जाम्पल समझते हैं, और देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, कई स्टेट्स ऐसा कहने की उनको कैंसिल करा देना चाहिए, तो एजुकेशन क्योंकि कॉन्करेंट का पार्ट है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी आपकी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उनका ये कहना है कि हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे सितंबर अक्टूबर तक जब भी पॉसिबल हो पाए। तो देखिए यहां पर फाइनल डिसीजन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का चला, मतलब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्योंकि एजुकेशन आता है तो फाइनल से जो होता है, फाइनल डिसीजन होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है। तो उसका करेक्ट आंसर पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पहला ऑप्शन है एजुकेशन अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, क्या सही है नहीं है आपको बताना है, मतलब चार ऑप्शन में एक गलत है आपको चूज करना है। योर ऑप्शन आर ए एजुकेशन अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, बी बैंकिंग अंडर यूनियन लिस्ट, सी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन अंडर स्टेट लिस्ट या डी फॉरेन अफेयर्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं किसने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉरेन अफेयर्स। तो देखिए जो फॉरेन अफेयर्स है मतलब जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है वो आपका यूनियन लिस्ट में आता है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट टू बी अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं हम सभी जानते हैं, अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या प्रोपोर्शन है वो वोट्स का, कि मतलब कितने वोट्स मिलने चाहिए, कितनी सीट्स मिलनी चाहिए किसी भी पार्टी को कि वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन जाए, मतलब एक बहुत अच्छी पार्टी बन जाए, एक मतलब जिसका इन्फ्लुएंस हो। तो आपको बताना है, योर ऑप्शंस आर ए पार्टी विच सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इज स्टेट पार्टी। तो क्या जो पार्टी मतलब जो टोटल वोट्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उसका 6% जो सिक्योर कर लेती है, क्या वो स्टेट पार्टी कहलाती है। बी पार्टी विच सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल लोकसभा वोट्स और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एज नेशनल पार्टी। तो क्या नेशनल पार्टी उस पार्टी को हम कहते हैं जो कम से कम 6% टोटल लोकसभा के वोट्स, जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उनके 6% वोट्स मतलब अपने आप पर सिक्योर करे, या फिर उस पार्टी वो जो पार्टी है वो 4 स्टेट्स की असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट सिक्योर करे, तो हम उसको नेशनल पार्टी कहते हैं, क्या ये सही है। सी पार्टी विद सिक्योर्स एटलीस्ट 2 सीट्स इन स्टेट इलेक्शंस इज कॉल्ड स्टेट पार्टी। डी पार्टी विद सिक्योर्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस इज नेशनल पार्टी। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। और एक और चीज कहूंगा जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं यहां पर, लाइक स्टेट पार्टी का है ए और आपका सी, देखिए साथ साथ होने चाहिए, मतलब 6% टोटल वोट्स अगर इलेक्शन में एमएलए के मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है उसमें 6% टोटल वोट किसी पार्टी को चाहिए, तो उसके साथ साथ एंड और की बात नहीं हो रही कि मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन हो तो स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बन जाएंगी, एंड मतलब 6% टोटल वोट्स के साथ साथ स्टेट पार्टी बनने के लिए उसकी 2 सीट्स होनी चाहिए। अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। तो सभी इनमें से करेक्ट है, नेशनल पार्टी बनने के लिए आप लोग देख सकते हो कि लोकसभा वोट्स का 6% किसी भी पार्टी को चाहिए, या फिर वो मतलब असेंबली इलेक्शंस की 4 स्टेट्स में जो असेंबली इलेक्शन है उनमें 6% उसका टोटल हो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो जो भारत का संविधान था वो सबसे पहली बार अमेंड यानी एक तरह से उस पर करेक्शन कब किया गया, तो ये ऑप्शन ए 1951, बी 1954, सी 1965 या डी 1974।
तो उसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1951. तो देखिए जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यार इसमें बहुत ज्यादा क्लॉजेस हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना गूगल करके. इसमें जो फंडामेंटल के बेसिक प्रोविजंस थे उनमें कुछ चेंज किया गया था, क्योंकि जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, हमने अडॉप्ट कर लिया था, तब एक साल के अंदर ऐसी नीड पड़ी, मतलब ऐसी जरूरत पड़ी कि यार कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे. तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं यहां पर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, आप जाके पढ़ेंगे. ये आपको कमिटमेंट रखनी है कि यार पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा नहीं कि यार वीडियो बंद कर दोगे आप कोई और काम में लग जाओगे, भूलना नहीं है. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट सबको गूगल करना है. क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर. इस क्वेश्चन में आपको बताने की जो भारत सरकार है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके चीफ लॉयर या लीगल एडवाइजर कौन होते हैं. योर ऑप्शन आर ए एडवोकेट जनरल, बी सॉलिसिटर जनरल, सी अटॉर्नी जनरल या डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो काफी बच्चों को इसका करेक्ट आंसर पता होगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल. तो देखिए एडवोकेट जनरल की मैं बात करूं, जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉयर होता है, लीगल एडवाइजर होता है, हम उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं. और ध्यान से इन चीजों को सुनते जाइएगा और दिमाग में रिमेंबर कीजिएगा कि एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होते हैं, उसके चीफ लॉयर होते हैं. सॉलिसिटर जनरल एक तरह से अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, मतलब इनके थोड़ा असिस्टेंट होते हैं, मतलब इनसे थोड़ा एक नीचे लेवल पे आते हैं. ये भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं. लाइक आपका सीबीएसई वाला डिसीजन जो था, तो उस पर जो सॉलिसिटर जनरल थे अभी भी हैं तुषार मेहता जी, वो सॉलिसिटर जनरल थे, तो वो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सीबीएसई को रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो उनके बाद आते हैं आपके आपके अटॉर्नी जनरल, मतलब अटॉर्नी जनरल सीनियर होते हैं और सॉलिसिटर जनरल जूनियर होते हैं. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो. और ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो ध्यान रखिएगा जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑफ इंडिया. योर ऑप्शंस आर ए एसपी सेन वर्मा, बी सुकुमार सेन, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, सी टी एन शेषन या डी डॉक्टर नागेंद्र सिंह. तो उसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है. और अगर आप लोगों को बताया कि यार करंट पे अभी सीसी कौन है हमारे, तो आप लाइव चैट में बता सकते हैं. द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का इज ऑप्शन बी सुकुमार सेन. तो सुकुमार सेन हमारी कंट्री इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे. तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे. ऐसा नहीं होगा कि यार परसों की तरह सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए होंगे, केवल महेंद्र आंसर कर रहे होंगे, ऐसा नहीं करना है. तो क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन. तो प्रवासी भारतीय दिवस ये वही दिन है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया लौटे थे. तो आपको बताने की किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. उम्मीद है आप लोगों को ये आता हो. योर ऑप्शंस आर ए 15 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 9 जनवरी एंड डी 23 मार्च. तो उसका करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 9 जनवरी. तो इस दिन जितने भी इंडियन मतलब लोग हैं जो बाहर एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को एक तरह से उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, कि मतलब वो इंडिया की इंडिया का नाम पूरे विश्व में एक तरह से बहुत फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है. उनको एक तरह से कि मतलब जो प्रवासी भारतीय, मतलब जो इंडियन एमिग्रेंट्स हैं जो बाहर गए हैं, उनको जो वापस आते हैं उनका बहुत सम्मान किया जाता है. एंड जो बाहर हैं उनके जो कंट्रीब्यूशन है उनको बहुत सराहा जाता है, मतलब उसको बहुत एक तरह से क्या कहूं मैं, सराहनीय माना जाता है. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज. तो क्वेश्चन में आपको बताने की टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है. योर ऑप्शंस आर ए सेल्सियस, बी सेंटीग्रेड, सी केल्विन या डी कुलाम. तो उसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है. और जिन लोगों का ऐसा मानना है कि एक हमारे कोर्स में नहीं था या आउट ऑफ सिलेबस है, तो कृपया 9th 10th की केमिस्ट्री या साइंस की बुक आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केल्विन. टेम्परेचर की एसआई यूनिट आपकी केल्विन होती है. ध्यान रखिएगा सेल्सियस नहीं होती है, और सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों एक ही चीज है, इस पर भी कभी कंफ्यूज मत होइएगा. और एक फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा है, अगर आप 9th 10th की बुक चेक करोगे केमिस्ट्री तो मिल जाएगा कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273. तो मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है केल्विन को सेल्सियस में, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो आपका सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर दीजिए, आपका केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा. और अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो केल्विन है उसमें से माइनस कर दीजिए 273, तो आपका डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा. मान लीजिए आपका 273 केल्विन टेम्परेचर है, तो आप 273 माइनस 273 कर देंगे, तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन. तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताने कि ऑक्सैलिक एसिड किस चीज में होता है. योर ऑप्शंस आर ए टैमरिंड, क्या इमली में होता है, बी विनेगर, सी सार मिल्क या डी टोमेटो. तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मोस्टली सबको आता होगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टोमेटो. तो टमाटर में आपको ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है.
तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, दुरान लाइन सेपरेट्स विच टू कंट्रीज। तो कई बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार सोच के समझ के इसका आंसर दीजिएगा लाइव चैट में कि दुरान लाइन किन दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है। योर ऑप्शंस आर ए इंडिया एंड चाइना, बी इंडिया एंड अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, या डी रशिया एंड फिनलैंड। तो उसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो दुरान लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को ये डाउट होता है कि इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया चाइना का है, तो ये किसी कंट्री का नहीं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का है। मतलब किसी कंट्री का नहीं से मेरा मतलब था कि आप लोग जो सोचते हैं कि ये इंडिया चाइना का है या फिर इंडिया पाकिस्तान का है, इन दो पेयर्स में से किसी का नहीं है, ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट ओलंपिक्स वर हेल्ड इन विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताने कि पहले ओलंपिक गेम्स किस कंट्री में हुए थे। योर ऑप्शंस आर ए यूएसए, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसएसआर, या डी ग्रीस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको ये आना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रीस। और कब हुए थे ओलंपिक्स? ये ओलंपिक्स हुए थे आपके 1886 में और एथेंस ग्रीस की कैपिटल में हुए थे। तो अब ये क्वेश्चन है, कैन यू आंसर? इसका आंसर आप लोगों को देना होता है, बट कई लोग आंसर नहीं देते हैं, वीडियो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। बट जो कुछ लोग आंसर देते भी हैं तो लाइव चैट में देते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है, प्लीज कमेंट करके बताइए अपना आंसर। द क्वेश्चन इज, विच फेमस पर्सनालिटी गेव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आपको बताना है कि किस फेमस पर्सनालिटी ने, किस महान हस्ती ने अपना टाइटल जो था टाइटल ऑफ नाइटहुड, जिसका सिंपल मतलब होता है कि आपके नाम के आगे सर जो लगता है, सर मतलब अपने नाम के आगे जो सर होता है, इससे सर कृतार्थ नीलकानी। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे टाइटल ऑफ नाइटहुड देती, वैसे नहीं देती मुझे, तो सर अगर मुझे देती टाइटल नाइटहुड का, तो सर मेरे नाम के आगे वो एड्रेस करते, मतलब कहीं पर भी अगर मुझे किसी भी ओकेजन में मेरा नाम वो कहीं पर भी लिखते, तो वो सर कृतार्थ नीलकानी करके लिखते, क्योंकि वो टाइटल था। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद किस फेमस पर्सनालिटी ने वो टाइटल छोड़ दिया। योर ऑप्शंस आर ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। और यही था आज के वीडियो के लिए, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, और शेयर करना ना भूले। उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, इन साइट्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी, अगर आपको कोई भी डाउट हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर देना मैसेज करने से पहले, जस्ट मजाक था, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर आप लोग चाहते हो कि यार जनरल अवेयरनेस सीरीज मुझे भी मजा आ रहा है, मतलब मैं डेली आप लोगों के लिए बुक में कुछ नई चीजें ढूंढ रहा हूं, तो आप लोग अगर चाहते हो कि कंटिन्यू रहे सीरीज, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए, थैंक यू।